निश्चित तौर पर पूर्णतः फेलियर है पुलिस का, इंटेलिजेंस का ये फेलियर है। जब अपराधी 2 महीने से यहाँ सीकर में रुके हुए थे, क्यों पुलिस प्रशासन उनको पहले पकड़ नहीं पाई, किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है? अब आप ये कहेंगे कि राजू ठेठ अपराधी था तो उसका फैसला करेगा, कानून करेगा और न्याय व्यवस्था करेगी। किस तरह से सीकर में कोचिंग सेक्टर जहाँ है, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ हत्या कर देना, और एक जो ताराचंद कड़वासरा मरे हैं इस हत्याकांड में, जो नागौर निवासी थे, वो अपनी बच्ची का यहाँ एडमिशन करवाने आए थे। तो मैं ये कहूंगा कि पूर्णतया फेलियर है पुलिस इंटेलिजेंस का और कानून व्यवस्था पर ये तमाचा है सीकर का, ये एक जो हत्याकांड है, और ये कोई छोटी घटना नहीं है। किस तरीके से जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ड्रेस में अपराधी आते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सरकार जब तक इन अपराधियों को नहीं पकड़ लेती और इनके परिजनों से बातचीत करके जब तक पूर्णतया इनसे समझौता नहीं हो जाता कि जो मांगे हैं परिवारजनों की और जो यहाँ संघर्ष समिति बनी हुई है, तब तक ये धरना जारी रहेगा और जो दाह संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। आप देखिए, प्रदेश के अंदर जहाँ अपने घर से बाहर कोई व्यक्ति निकलता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है, आप पुलिस से क्या आशा रखेंगे? पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? पिछले 2 महीने से यहाँ रेगुलर घूम रहे हैं, खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। ये हथियार लेके यदि व्यक्ति इस तरीके से घूमेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम रहेगा? कोई अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए आता है और वो घरवालों को, उसके घरवाले उससे क्या उम्मीद रखे कि वो एडमिशन कराने जा रहा है तो वापस जिंदा आएगा या मर के आएगा? आज जो जिस हिसाब से गोलीबारी हुई है, खुलेआम दिन दहाड़े मार के गए हैं, ये भी नहीं है कि कहीं कोई बंद जगह में या कोई खेत में या जंगल में ये मर्डर हुआ है। खुलेआम कोचिंग संस्थान जो कि सीकर का बड़ा कोचिंग है, उसके अंदर कितने लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके अंदर किसी की भी जान जा सकती थी। सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ताराचंद जी को, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। राजू ठेठ को मारा गया, अपराधी कोर्ट से जमानत मिली है, कोर्ट ने उनको कई मुकदमों में बरी किया है। अपराधी किस तौर पे अपराधी है, कोई गैंगस्टर मानता है तो ये थोड़ी है कि जो मर्जी वो मार देगा। ये काम न्यायपालिका का है, पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से यदि गुंडे बदमाशों को मारने देगा, हत्या करने देगा, लोग घूम घूम के आम आदमियों की हत्या करेंगे तो ये कदापि उचित नहीं है। हमारी मांग यही है कि उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने स्थल पर बैठेंगे। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद अभी जो सूचना है जहां तक कि पुलिस पे फायरिंग करके, SHO पे फायरिंग करके आगे वो बदमाश निकले, तो जिस तरीके की अभी तक पुलिस को अपराधी नहीं पकड़ पाए सीकर से, वो अगर हरियाणा या यहाँ से सीमा पार करके जाने में सफल हो गए तो किस तरीके की पुलिसिंग है, किस तरीके के आप पीछे से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? तो सीधा ये है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, जब तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ेगी और जो FIR दर्ज परिजनों ने कराई है उस पे काम नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम अभी तक पुलिस और सरकार के किसी भी कदम से और किसी भी मांग से संतुष्ट नहीं है। सब चीजें सांत्वना देने वाली है, जब तक पूर्णतया उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता जो आज खुलेआम जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फायर करते हुए जा रहे हैं। अब कौन अभिभावक, कौन आदमी अपने बच्चों को यहाँ सीकर भेजेगा? तो ये केवल इस हत्या से जुड़ी हुई चीज नहीं है। सीकर आज इस राजस्थान में, हम ये कहेंगे कि कोचिंग और हॉस्पिटल्स पूरे राजस्थान में सबसे अग्रणी पंक्ति में सीकर खड़ा है। आज ये पूरे सीकर के ऊपर धब्बा लगा है। कौन यहाँ बच्चों को लेके आएगा? जो कोचिंग संस्था यहाँ चल रही, अच्छे अच्छे स्कूल है यहाँ है, जिस सीकर ने जो IAS IPS और जितने अधिकारी बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, उस सीकर में इस तरह की घटना को पूर्णतया राजस्थान पे और सीकर पे ये धब्बा है।